एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के डाउट क्लियर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एलिसा। एलिसा ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये आपका टॉपिक बायोकेमिस्ट्री का है। हम डिस्कस करें बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में डाउट क्लियर सीरीज। आपका जो भी डाउट हो सब्जेक्ट्स रिलेटेड, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेगी जिससे आपका डाउट क्लियर होता रहेगा। और कोई भी डाउट हो बस मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट अस स्टार्ट आर टॉपिक, दैट इज एलिसा इन बायोकेमिस्ट्री। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। एलिसा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, बायोकेमिस्ट्री बुक यूनिट इम्यूनोकेमिस्ट्री में आपका ये टॉपिक है। एलिसा अगर एग्जाम में आता है तो 5 मार्क्स में आ सकता है। तो इसमें आप सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स लिखने के बाद में आप उसका इंडिकेशन लिखेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन लिखेंगे, नेक्स्ट आप लिखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये चीज़ आपको लिखनी है अपने एलिसा टॉपिक में। एलिसा टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है और एलिसा टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप इसको फर्दर थर्ड सेम में भी पढ़ोगे माइक्रोबायोलॉजी में। तो इसीलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जो एलिसा है हम डिस्कस करेंगे नोट्स से। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये सबसे पहले 1970 में एलिसा आया, वॉज क्रिएटेड इन 1970। सबसे पहले क्या था हमारा RIA, रेडियो इम्यूनो एसे। 1970 में आप क्या बन गया, एलिसा बन गया है। ये जो एलिसा टेस्ट है वो डिटेक्ट करता है कि एंटीबॉडी कितनी प्रेजेंट है ब्लड में। मेजरमेंट का काम किसका है, एलिसा का, आपके ब्लड में कितनी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। साथ ही साथ ये टेस्ट डिटरमाइन करता है कि एंटीबॉडीज रिलेटेड इन्फेक्शन कंडीशंस को, जैसे कि बॉडी में आपका प्रोडक्शन होता है एंटीबॉडी का, लेकिन तब होता है जब आपकी बॉडी में फॉरेन बॉडी या फिर एंटीजन आता है। तो ये तब कंडीशन आती है जब कोई आपके एंटीबॉडी रिलेटेड कोई इन्फेक्शन कंडीशन मिले। नेक्स्ट क्या है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रोटीन की होती हैं, वो आपकी बॉडी में ही प्रोड्यूस होती हैं। और ये किस पे रिस्पॉन्स करती है, आपके हार्मफुल सब्सटेंस आपके क्या हो सकते हैं, एंटीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट, ऐसे ये एज सच आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको एग्जाम कॉपी में लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं ऐसा कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन रेस्ट ऑफ आपको एलिसा के इंट्रोडक्शन में आपको ये सारे पॉइंट्स को लिखना है। तो ये जो पॉइंट है वो बताता है जो एलिसा का बेनिफिट है वो इंक्लूड करता है रिलेटिव ईजी, क्या है के लिए वो परफॉर्म कर पाता है लार्ज सैम्पल्स के लिए, इसीलिए मैंने इस पर क्रॉस कर रखा है। नेक्स्ट क्या है, जो एलिसा टेस्ट है ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है एक इंटरेक्शन पे। इंटरेक्शन किसका होता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड का, किस पे होते हैं, एंटीजन पे और एंटीबॉडी पे। मतलब कि आपने इम्यूनोग्लोबुल्स का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें हैवी चेन होती है, लाइट चेन होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है और अपर साइड पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। एंटीजन बाइंडिंग साइट पे आपका क्या कंबाइन करता है, आपके एंटीबॉडी कंबाइन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पैराटोप। उस पैराटोप कंडीशन में ही एक सिक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का, उससे इंट्रैक्शन होता है। तो ये जो पॉइंट है वो आपका को रिलेट कर रहा है इम्यूनोग्लोबिन और एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन से, और कहाँ पर होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट से, उसको हम लोग पैराटोप भी कहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलिसा के इंट्रोडक्शन में आपको किस तरीके से और क्या लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज अ पॉलीसिस्ट्रीन प्लेट विच पॉसिबली बाइंड एंटीबॉडीज एंड प्रोटीन। अब हम बात करते हैं एलिसा के टाइप्स की। एलिसा आपका 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहले है डायरेक्ट एलिसा, फिर है आपका इनडायरेक्ट एलिसा, फिर है सैंडविच एलिसा, फिर है आपका कंपिटेटिव एलिसा। अब मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट वे में लिखा है जिससे जो मेन पॉइंट है वो आपको पता चले, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर जो चीज़ आपके लिए मेन है वो आपको पता होनी चाहिए। कभी भी एग्जाम में आए तो आप इस तरीके से नहीं लिखे, आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे जो डायरेक्ट एलिसा है उसके पास एंटीजन कोटेड प्लेट है, फिर उसकी स्क्रीनिंग एंटीबॉडी है। ये मैंने सिर्फ शॉर्ट टर्म में लिखा है 1 सेंटेंस करने के लिए, लेकिन आप उसको पैराग्राफ में लिखेंगे। जो डायरेक्ट एलिसा है, एक होता है, सबसे पहले बता दूँ, एक आपकी होती है कोटेड प्लेट, कोटेड प्लेट आपकी इस तरीके से बॉटम में रहेगी, फिर आपकी स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग आपकी साइट में प्रेजेंट होती है अपार्ट, मतलब कि जो आपकी प्लेट है प्लेट का मतलब होता है वो नीचे होगी, स्क्रीन मतलब कि आपका स्क्रीनिंग रहेगी वो सामने रहेगी। जो डायरेक्ट एलिसा है, डायरेक्ट एलिसा में जो आपकी कोटेड प्लेट है, प्लेट के ऊपर क्या होगा, कोट होगा, किसका, एंटीजन का। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जब यहाँ पे एंटीजन का क्या है, कोटेड प्लेट है, और यहाँ पे आपकी क्या रहेगी, स्क्रीनिंग रहेगी। स्क्रीनिंग किसकी रहेगी, आपकी एंटीबॉडी की रहेगी। जब ऐसी कंडीशन होगी तब हम लोग कहेंगे कि क्या है, डायरेक्ट एलिसा है। फिर इनडायरेक्ट एलिसा में क्या होगा, इनडायरेक्ट एलिसा में आपका कोटेड प्लेट एंटीजन का ही होगा,
कोटेड प्लेट एंटीजन का है, स्क्रीनिंग इसमें एंटीजन की भी हो जाएगी और एंटीबॉडी की भी हो जाएगी। मतलब कि क्या है, इसमें डायरेक्ट है तो आप एक ही चीज़ को करोगे तो आप स्क्रीन किसकी कर पाओगे, सिर्फ बॉडी की कर पाओगे। इनडायरेक्ट में आप एंटीजन की भी कर लोगे और एंटीबॉडीज़ की भी कर लेंगे। नेक्स्ट सैंडविच एलिसा, सैंडविच एलिसा आपका जस्ट अपोजिट है डायरेक्ट एलिसा का। आपने अगर डायरेक्ट एलिसा पढ़ लिया, समझ लिया ना, तो आप इनडायरेक्ट समझ जाओगे। फिर आपने डायरेक्ट का अपोजिट कर देना है सैंडविच में। कोटेड प्लेट डायरेक्ट में क्या थी, एंटीजन थी, और सैंडविच में एंटीबॉडी की हो जाएगी। स्क्रीनिंग डायरेक्ट में एंटीबॉडी की थी और सैंडविच में स्क्रीनिंग एंटीजन की हो जाएगी। कॉम्पिटेटिव एलिसा, ये कॉम्पिटेटिव एलिसा में कोटेड प्लेट होती ही नहीं है, ये कंपटीशन करती है सारी कोटेड प्लेट से, इसलिए कोटेड प्लेट नहीं होती, इसमें सिर्फ स्क्रीनिंग होती है, और स्क्रीनिंग किसकी होती है, एंटीबॉडी की होती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ एलिसा क्या है और कैसे आपको लिखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ एलिसा। एलिसा आपके कौन से ऐसी डिजीज़ है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले एचआईवी, एचआईवी को अगर आपको करना है, डायग्नोस करना है, तो आप एलिसा टेस्ट को परफॉर्म करते हो। लाइम डिजीज़, पर्निशियस अनीमिया, रॉक माउंटेन स्पॉटेड फीवर, रोटा वायरस, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जीका वायरस, तो ये आपके इंडिकेशन है। इन सारी चीज़ों के डायग्नोसिस में आपका एलिसा टेस्ट परफॉर्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिसा टेस्ट के स्टेप्स की। तो पहला स्टेप आपका है एंटीबॉडी कोटिंग। तो हमने पहले बताया था कि इसमें, अभी हम लोगों ने टाइप्स पढ़ा तो आपने देखा होगा कि हम लोग कोटिंग प्लेट करते हैं। कोटिंग प्लेट में आप एंटीबॉडी करोगे, फिर स्पेसिफिक एंटीबॉडी को क्या कर दोगे, इमोबिलाइज कर दोगे हाई प्रोटीन बाइंडिंग प्लेट पे। कैसे, ओवरनाइट इनोकुलम करके। मतलब कि मैंने एक सिंपल सा है, जैसे एक प्लेट मैंने रखी थी, इसमें एंटीबॉडी था आपका। अब आपने इनोकुलेट करा, इनोकुलेट का मतलब होता है आपने इसमें रखा रात भर के लिए। जब उसमें रात भर के लिए रखोगे और आप उसमें रखने के बाद में प्रोटीन को प्लेट में, तो वो प्रोटीन क्या हो जाएगा, ओवरनाइट करने के बाद में मोबिलाइज्ड हो जाएगा, इमोबिलाइज्ड हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्या होगा, फिर आप जैसे ही इमोबिलाइज्ड होगा तब आप प्रोटीन को कैप्चर कर लोगे। कैप्चर करने के बाद, तब आप कैप्चर करने के बाद में डिटेक्ट करोगे कि एंटीबॉडी है कि नहीं है। उसके बाद में आप ऐड करोगे एंजाइम को। ये एंजाइम जो है वो कोगुलेट करता है। एंजाइम क्या है आपका, स्ट्रेप्टोविडिन। क्या है एंजाइम, स्ट्रेप्टोविडिन। ये स्ट्रेप्टोविडिन एंजाइम कॉन्जुगेट करता है। फिर आप सबस्ट्रेट को ऐड करते रहते हो, किसके लिए, एनालिसिस के लिए। तो ये स्टेप्स को मैंने बहुत ही सिंपल में करा और आप इस तरीके से स्टेप्स को लिख दीजिएगा। फिर हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन में सबसे पहला आपका आता है क्वांटिटेटिव, मतलब कि ये स्टैंडर्ड कर्व है, ये अलाउ करता है किसको, कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन को। आप बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट करोगे, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स होंगे आपके पास, उन सारे डिफरेंट सैंपल्स में आप कंसंट्रेशन देखोगे एंटीजन का, किसका, इसका एंटीजन का कंसंट्रेशन कितना है, सेकेंड वन का कंसंट्रेशन एंटीजन का कितना, थर्ड का वन का कितना है। तो क्वांटिटेटिव में आप क्या देख रहे हो, क्वांटिटी देख रहे हो। क्वांटिटी मतलब कंसंट्रेशन, क्वांटिटी मतलब कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, एंटीजन का कंसंट्रेशन देख रहे हो। तो इंटरप्रिटेशन में जो है पहला पॉइंट वो आपका क्या है, क्वांटिटेटिव है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम लोग डाटा को हम लोग कंफर्म करेंगे या तो डिनाई करेंगे, क्या करने के लिए, प्रेजेंस करने के लिए कि एंटीजन प्रेजेंस है या नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, क्वांटिटी में हम लोग कंसंट्रेशन देख रहे थे, क्वालिटी में एंटीजन की प्रेजेंस देखेंगे कि एंटीजन प्रेजेंस है या नहीं है। तो ये डेटा आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर येस और नो में देता है, इससे हम लोगों को कन्फर्म भी हो जाता है और डिनाई भी हम लोग कर सकते हैं कि प्रेजेंस पर्टिकुलर एंटीजन की सैंपल में है या नहीं है। फिर आपका आता है सेमी क्वांटिटेटिव। तो ये सेमी क्वांटिटेटिव क्या है, इसमें सेमी क्वांटिटेटिव में हम लोग कंपेयर करते हैं सैंपल को। इसका क्या पॉइंट है, ये इंटेंसिव सिग्नल डिफर करता है डायरेक्टली बेस्ड एंटीजन कंसंट्रेशन को। ये एलिसा डेटा को यूज करता है और कंपेयर करता है किसको, एंटीजन के रिलेटिव लेवल को। यही आपका एसएस सैंपल में आता है। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन आपकी डिटेक्ट करती है, काउंट करती है एंटीबॉडी को और एंटीजन को, प्रोटीन्स को, हॉर्मोन्स को, सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये आपका है इन्वेस्टिगेशन। अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एलिसा। अभी हमने लोगों ने जितना भी पढ़ा है ना एलिसा के लिए, वो सब आप एग्जाम कॉपी में लिखेंगे तब आपका 5 मार्क्स का आंसर बन पाएगा। फिर हम बात करते हैं एडवांटेज की। तो एडवांटेज एलिसा का क्या है, सबसे पहले जो एलिसा है वो प्रोटोकॉल को इजी कर देता है। क्या कर देता है, इजी कर देता है।
नेक्स्ट पॉइंट आपका है इट इज़ एन एक्सट्रीमली प्रिसाइज एंड सेंसिटिव मेथड, मतलब कि ये जो एलिसा का है वो बहुत ही प्रिसाइज मेथड है, बहुत ही ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये वेरी इफेक्टिव मेथड है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हर एक टेस्ट में हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि ये चीप रिएजेंट्स का यूज़ करता है, इसका मतलब ज़्यादा कॉस्टली आपका एलिसा नहीं है, चीप रिएजेंट का है तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है एडवांटेज का, इसमें हम लोग रेडियो एक्टिव केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जो पहले RIA मतलब कि रेडियो यूमिनो एस में यूज़ होता था। अब जो रेडियो एक्टिव केमिकल्स आप जानते हो वो कितने हार्मफुल आपकी बॉडीज़ के लिए, लेकिन जो एलिसा है उसमें आपका जो रेडियो एक्टिव है वो यूज़ नहीं होता है, तो ये भी क्या है, एक एडवांटेज है एलिसा का। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज क्या है एलिसा का, तो सबसे पहले ये डिमांड करता है लेबर का, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो इसमें बहुत मतलब अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग उसमें एनालाइज है, आप इंटरप्रिटेशन में या क्वालिटेटिव कर रहे हो, क्वांटिटेटिव कर रहे हो, सेमी क्वांटिटेटिव कर रहे हो, तो उसमें आपको लेबर की नीड होगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, आपको जब एंजाइम लाइक एंटीबॉडीज़ है ना वो आपके लिए एक्सपेंसिव भी हो जाती है और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्यों, क्योंकि जब आप उसमें सारे बाइंड्स हो जाते हैं, बाइंड्स करने के बाद क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज अप्रोप्रिएट रेफ्रिजरेटर इज नीडेड फॉर ट्रांसिट एंड स्टोरेज। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था एलिसा के फर्स्ट स्टेप में, जब रात भर उसको इनोकुलेट ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं तभी तो वो स्टिक होती है, बट इस सबके लिए आपको प्रॉपर टेम्परेचर प्रॉपर रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए आपको उसको ट्रांसमिट का और स्टोरेज में हेल्प करती है। तो आपका एलिसा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, एलिसा टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, आपका और भी किसी सब्जेक्ट से डाउट रिलेटेड टू बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर, सो प्लीज मेंशन इन आवर कमेंट बॉक्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।